हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपके क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, नाउंस। इस चैप्टर में और वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउंस के बारे में, कितने तरह के नाउंस हैं और उनको डिटेल में समझेंगे। लेट्स लर्न अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड यूसेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउंस, कॉमन एंड प्रॉपर नाउंस, कलेक्टिव नाउंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस, कंपाउंड नाउंस, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस एंड मेटीरियल नाउंस। बट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपके मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं कि नाउंस किसे कहते हैं। एनी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है। अब नाउंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, कॉमन नाउंस एंड प्रॉपर नाउंस। कॉमन नाउंस कोई भी चीज का नाम हो सकता है, लेकिन अगर वो चीज का पर्टिकुलर कोई नाम हो तो हम उसे प्रॉपर नाउन समझते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स के साथ आगे पढ़ेंगे। ओथेलो वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओथेलो इज द नेम ऑफ अ बुक। इट वाज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, हु इज द ऑथर। द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। राम एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स हिज न्यू क्लासमेट। Mother Teresa was an epitome of kindness and compassion. Ragini was singing a beautiful hymn in the church. Fog returns, delays flights. अब ये सब जो highlighted words है ना बच्चों, we call them nouns. और इनमें बहुत सारे तरह के nouns है। कुछ common nouns है, कुछ proper nouns है, कुछ abstract nouns है, कुछ मेटीरियल नाउंस है एंड कुछ आपके कंपाउंड नाउंस है और कुछ सिंगुलर एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस भी है, ठीक है। तो इन सबको कैसे पहचानेंगे, कैसे यूज करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज अ नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। कोई भी इंसान का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम या पशु पक्षी का नाम आपका नाउन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। नाउ नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या है? कॉमन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये स्पेसिफिक नहीं है, ये एक जनरल थिंग को समझाता है। सो कॉमन नाउन्स आर जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स, पीपल, प्लेसेस एंड एनिमल्स। अब ये थिंग्स, पीपल, प्लेसेस एंड एनिमल्स क्या है बच्चों? ये आपके नाउन्स हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमन नाउन्स के एग्जांपल्स है, मॉल, जीन्स, रेफ्रिजरेटर, वाटर, सिटी, टीनेजर। दीज आर ऑल योर कॉमन नाउन्स। अब आइए पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन्स क्या है और वो कॉमन नाउन से कैसे डिफरेंट है। ओके, नाउ प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर थिंग्स, पीपल, प्लेसेस एंड एनिमल्स एंड आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। अब ये थिंग्स, पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स क्या है? नाउन्स है। अब अगर ये थिंग्स, पीपल, प्लेसेस एंड एनिमल्स का एक स्पेसिफिक नाम रखा जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अगर जनरली हम किसी भी थिंग, पीपल, प्लेस एंड एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। अब मेन डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन क्या है कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा आपका कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। एम्बियंस मॉल, मॉल इज योर कॉमन नाउन। बहुत सारे मॉल्स हैं, लेकिन इस मॉल का नाम है एम्बियंस मॉल। सो एम्बियंस इज योर प्रॉपर नाउन, ठीक है। एम्बियंस मॉल आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और अगर सिर्फ मॉल होगा तो वो कॉमन नाउन है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। सो एम्बियंस का ए जो है वो कैपिटल ए में रहेगा। अब कैल्विनेटर, कैल्विनेटर इज द नेम ऑफ अ ब्रांड ऑफ फ्रिज, ठीक है। और बहुत सारे फ्रिजेस है मार्केट में, उनमें से कैल्विनेटर एक है। सो कैल्विनेटर जो ब्रांड है वो आपका प्रॉपर नाउन है फ्रिज के लिए। सो के विल बी इन कैपिटल। मुंबई नेम ऑफ अ सिटी,
ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, स्पेसिफिक सिटी का नाम दिया गया है मुंबई सिटी, सो एम कैपिटल, दिस इज अ प्रॉपर नाउन. अनन्या नेम ऑफ अ गर्ल, ए कैपिटल. बांग्लादेश नेम ऑफ एनी कंट्री, सो इट इज कैपिटल बी. वर्कशीट वन, सर्कल द प्रॉपर नाउन, आपको प्रॉपर नाउन्स ढूंढ के उनको सर्कल करना है एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स ढूंढ के उनको अंडरलाइन करना है. वन हैज बीन डन फॉर यू. अभी नाउन्स क्या है, पीपल प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स, ये सारे दिए गए हैं यहाँ पे. अगर वो पीपल प्लेसेस एनिमल्स एंड थिंग्स का कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वरना अगर जनरली बताया गया है पीपल प्लेसेस एनिमल्स थिंग्स के बारे में वो आपका कॉमन नाउन होगा. तो उस हिसाब से ये सब आप करेंगे, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, आप खुद ट्राई करेंगे फिर आंसर देखेंगे. पहला लाइन का मैं समझा देती हूँ आपको, शाहरुख खान. अब शाहरुख खान इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ही इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन कॉल्ड शाहरुख खान, सो शाहरुख खान इज योर प्रॉपर नाउन, और एस कैपिटल एंड के कैपिटल, क्योंकि प्रॉपर नाउन्स आर ऑल कैपिटलाइज्ड. नेक्स्ट इज सीन, कौन सा सीन, हमें पता नहीं है मूवी सीन है या क्या थिएटर का एक सीन है, सो इट इज अ कॉमन नाउन. वैली, कौन सा वैली, इज इट मेंशन्ड वेदर इट इज द हिमालयन वैली और द सिलिकॉन वैली, कुछ मेंशन हुआ है वैली का नाम, नहीं, सो दिस इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक इंसान का नाम है, सो दिस इज योर प्रॉपर नाउन. लाउंज, लाउंज जहां पर हम रेस्ट करते हैं, विच लाउंज इज इट मेंशन्ड वेदर इट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लाउंज, नो, सो इट जस्ट लाउंज इज मेंशन्ड, देयर कैन बी मेनी लाउंजेस, सो इट इज अ कॉमन नाउन. टिनटिन जो है एक पर्सन का नाम है, एक कॉमिक बुक का नाम है ये, इसीलिए टी कैपिटल होगा दोनों में, टिन एंड टिन में, एंड ये आपका प्रॉपर नाउन है. माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, इसीलिए एम कैपिटल एंड दिस इज अ प्रॉपर नाउन. इरेजर, बहुत सारे इरेजर्स है आपके पास, कौन से ब्रांड का इरेजर नहीं पता, ठीक है, सो इरेजर इज अ कॉमन नाउन. कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलाहाबाद कोर्ट या फिर कौन सा कोर्ट, कुछ भी नहीं मेंशनड है, इसीलिए इट इज योर कॉमन नाउन. व्हाइट हाउस पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, इसीलिए इट इज अ प्रॉपर नाउन. वैसे यू विल डू द रिमेनिंग. अब सेकंड वाला देखेंगे, गिव अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द कॉमन नाउन्स मेंशन बिलो. आपका लेफ्ट कॉलम में कुछ कॉमन नाउन्स दिए गए, राइट साइड में आपको उनके लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन लिखना है, ठीक है. कॉमन नाउन ए, सिटी, वॉट इज द प्रॉपर नाउन, एनी सिटी का नाम लिखिए आप, मुंबई, ठीक है, या फिर दिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से. वैसे कॉमन नाउन लैपटॉप, बहुत सारे लैपटॉप कंपनीज के नाम आपको पता होगा, जैसे डेल, एचपी, ठीक है, एप्पल, वैसे आप कोई भी लैपटॉप का एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन लिख सकते हैं, कंट्री भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ऑल दिस यू कैन फिल ऑन योर ओन. नेक्स्ट वी विल गो ओवर टू वर्कशीट नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन और प्रॉपर नाउन्स. ब्लैंक्स को प्रॉपर या फिर कॉमन नाउन्स में भरिए. डैश माय इंग्लिश टीचर इज हियर, आपके इंग्लिश टीचर का नाम लिखिए, प्रॉपर नाउन जो होगा, ठीक है. डैश इज अ जॉयफुल फेस्टिवल, आप अपने पसंदीदा फेस्टिवल का नाम लिखिए. डैश लव्स टू प्ले कॉमन कंप्यूटर गेम्स, कोई भी आप अपना नाम लिखिए या अपने फ्रेंड का प्रॉपर नाउन लिखिए. द वेरी डैश सैट डाउन टू रेस्ट नियर अ ट्री, वेरी मतलब टायर्ड, ठीक है, तो जो इंसान बहुत ट्रैवल कर रहा है वही तो टायर्ड होगा, सो द वेरी ट्रैवलर, ये ट्रैवलर आपका कॉमन नाउन हुआ. क्या हम उस ट्रैवलर का नाम मेंशन कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, इसीलिए ट्रैवलर इज योर कॉमन नाउन. सैट डाउन टू रेस्ट नियर अ ट्री, ट्री इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन, ठीक है, क्योंकि कौन सा ट्री, मैंगो ट्री या फिर बैनियन ट्री, पीपल ट्री, कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ ट्री मेंशन है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो योर कॉमन नाउन. वैसे ही आप ये सब अपने हिसाब से कोई भी सिटी या जो भी है आप लिख के फिलअप करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है, अब ध्यान से सुनिए, एब्स्ट्रैक्ट मतलब विच इज नॉट वेरी क्लियर. नाउ नोट्स, नाउन्स दैट नेम एन आइडिया, थॉट और अ फीलिंग, कोई भी आइडिया, सोच या फिर एहसास जो कि हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते या टेस्ट नहीं कर सकते, वैसे नाउन्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं, ठीक है, जो नाउन्स को हम सुन नहीं सकते,
देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते या फिर टेस्ट नहीं कर सकते, बट इन नाउन्स के नाम जो है वो एक आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, एक थॉट या फिर एक सोच को एक्सप्रेस करते हैं, या एक एहसास या फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है चाइल्डहुड, बचपना। क्या बचपने को छू सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ उसे महसूस भी नहीं कर सकते, मतलब हम बस उसके बारे में सोच सकते हैं। लाफ्टर, हंसी, लव, पीस, हैप्पीनेस, विजडम, दीज आर ऑल योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ऑफ आवर सेंसेस। हमारे कितने सेंसेस है बच्चों? 5 सेंसेस है। अब कोई भी नाउन जो इन 5 सेंसेस के अंडर नहीं रिकॉग्नाइज होता है उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एज दे हैव नो कलर, साइज, शेप, साउंड, स्मेल, फ्लेवर और टेक्सचर, बट वी कैन फील देम। दस एनी नाउन दैट एस्केप्स आवर सेंसेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सक्यूज मी। नाउ लेट अस डू वर्कशीट 3 बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाउ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे बने नाउन्स जो होंगे वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? कोई भी थॉट, आइडिया या फीलिंग को एक्सप्रेस करना जो हमारे 5 सेंसेस से हम टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। सो डैश ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मनीष इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट नीट, नीटनेस एंड टाइडी, टाइडीनेस। माई सिस्टर इज अफ्रेड ऑफ डार्क, डार्क से बनता है डार्कनेस। हम क्या अंधेरा को छू सकते हैं? नहीं। शीना शोज डैश ओबीडियंट टू हर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। शीना शोज ओबीडियंस, ये एक मैनरिज्म है, ठीक है? सो आप ओबीडियंस को टच, फील, स्मेल, टेस्ट नहीं कर सकते, ओके? इट इज अ मैनरिज्म। सो ओबीडियंट से बनता है ओबीडियंस। एवरीवन एडमायर्स द फ्रेंड बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा। एवरीवन एडमायर्स द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप एक आपका क्वालिटी है, ठीक है? फ्रेंड से बनता है फ्रेंडशिप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 6, द जज प्रोनाउंस्ड हिज जज एंड द गिल्टी वाज पनिश्ड। जज से बनता है जजमेंट, ठीक है? ऑल्दो डॉक्टर रॉय इज वेरी वेल्दी ही ऑलवेज शोज हम्बल। हम्बल से आता है ह्यूमिलिटी, ये एक आपका मैनरिज्म है, क्वालिटी है एक इंसान में, ठीक है? माई ग्रैंडफादर हैज अ लॉट ऑफ नो अबाउट एनिमल्स। नो से बनता है नॉलेज। द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ इज चाइल्डहुड। चाइल्ड से बनता है चाइल्डहुड। अ होम ऑफर्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड। सो दीज आर ऑल योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वर्कशीट 4, आइडेंटिफाई दीज पीपल। अ पर्सन हु क्रिएट्स म्यूजिक इज अ म्यूजिशियन। अ पर्सन हु राइट सॉन्ग्स, जो गाने लिखता है उसे हम लिरिसिस्ट बोलते हैं। जो गाने बनाता है उसे हम म्यूजिशियन बोलते हैं। अ पर्सन हु ड्रॉज कार्टून्स, कार्टूनिस्ट। अ पर्सन हु हेड्स अ कॉलेज और अ स्कूल, प्रिंसिपल। अ पर्सन हु शूट्स एन एरो, आर्चर। अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स, बेकर। अ पर्सन हु डिजाइन्स क्लोथ्स, फैशन डिजाइनर। अ पर्सन हु ग्रोज एंड टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स इन अ गार्डन, गार्डनर। इनको आप सबको याद करना होगा। अब आते हैं कंपाउंड नाउन्स की तरफ। कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं? कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा। सो व्हेन टू नाउन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अनदर नाउन। दो इंडिविजुअल नाउन्स जब जुड़ते हैं एक और मीनिंगफुल नाउन बनाने के लिए, उस नाउन को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे देखिए एग्जाम्पल, फुटबॉल। फुट प्लस बॉल जुड़ के बनते हैं फुटबॉल। फुट का भी मीनिंग है, बॉल का भी मीनिंग है, और ये दोनों जो जुड़ के फुटबॉल बनाते हैं जो वर्ड, उसका भी मीनिंग है। सिमिलरली डस्ट प्लस बिन इज डस्टबिन। डस्ट मतलब धूल, बिन मतलब आपको पता है कचरा रखने वाला डब्बा, तो दोनों मिलके डस्टबिन बनाते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन का भी अलग मीनिंग है, डायरेक्टरी का भी अलग मीनिंग है, और दोनों जुड़ के
टेलीफोन डायरेक्टरी जो बनाते हैं उसका एक अलग मीनिंग आता है. सो द वर्ड्स फुटबॉल डस्टबिन टेलीफोन डायरेक्टरी बिकॉज दीज आर मेड ऑफ टू नाउन्स जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अनदर नाउन मीनिंगफुल नाउन देयरफॉर दे आर ऑल कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स और कंपाउंड नाउन्स. वर्कशीट 5 करेंगे बेस्ड ऑन कंपाउंड नाउन्स. डायनो द डायनासोर वॉन्ट्स यू टू पेयर ईच वर्ड इन बबल ए. ये बबल ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विद अ वर्ड इन बबल बी. बबल बी में कुछ और वर्ड्स दिए गए टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स एंड राइट देम डाउन. आपको बबल ए से एक वर्ड को बबल बी के दूसरे वर्ड ढूंढ कर एक मीनिंगफुल कंपाउंड वर्ड बनाना है. ठीक है, बबल ए में जितने सारे वर्ड्स हैं वो भी नाउन्स है, बबल बी में जितने सारे वर्ड्स हैं वो भी नाउन्स है, और दो नाउन्स को जोड़ के जब हम एक तीसरा वर्ड बनाते हैं तो वो होता है आपका कंपाउंड नाउन. तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर्स मैंने लिख दिया है, आप प्लीज यू गो थ्रू इट. ठीक है, अब वर्कशीट 6 जो ऊपर हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाए हैं उन्हीं में से हम जोड़ के छांट के उन्हीं में से वी हैव टू यूज इट इन दिस एक्सरसाइज. यूज द कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस एक्सरसाइज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वी रिसाइकल डैश टू यूज इन आर गार्डन. तो ऊपर दिए गए वर्ड्स में देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे अप्रोच करना है. अब गार्डन देखिए, गार्डन में हम क्या डालते हैं, पानी. तो आपके कंपाउंड वर्ड्स में से कौन से वर्ड में पानी शब्द आ रहा है, रेन वाटर. सो वी रिसाइकल रेन वाटर टू यूज इन अ गार्डन. ठीक है, अब पहले हर सेंटेंस में एक एक की वर्ड ढूंढिए, उससे आपको मिल जाएगा कौन सा आपको फिलअप करना है. लास्ट इवनिंग देर वॉज अ टेरिबल डैश. टेरिबल क्या हो सकता है, आप अपने वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स को देखिए, कंपाउंड वर्ड्स में सबसे भयंकर चीज क्या हो सकता है, क्या ये शोकेस हो सकता है, नहीं. टूलबॉक्स नहीं. बैकबोन नो. माइलस्टोन नो. थंडरस्टॉर्म टेरिबल हो सकता है, यस. सो इट इज थंडर स्टॉर्म. टेरिबल थंडर स्टॉर्म. नेक्स्ट थर्ड वन, डैड कुड नॉट फाइंड द स्क्रू ड्राइवर इन द डैश. स्क्रू ड्राइवर वगैरह हम कहाँ पर रखते हैं, टूल बॉक्स में रखते हैं. ठीक है, सो हर सेंटेंस में आपको एक हिंट मिल जाएगा कि किस बेसिस पे आपको आंसर ढूंढना है. वी वर आस्क्ड टू डैश आर स्पेशल टैलेंट्स इन द कॉम्पिटिशन. अब एक कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहां पे आपको आपका हुनर दिखाना है. क्या करना है, यू हैव टू शो केस, यू हैव टू शो केस योर स्पेशल टैलेंट्स. गांधी जी हैड ग्रेट डैश क्वालिटीज. अब गांधी जी जैसे इंसान में क्वालिटीज कैसे होंगे, लीडरशिप वाली क्वालिटीज होंगी. राइट पॉस्चर इज रिक्वायर्ड टू कीप द डैश स्ट्रॉन्ग. इन सब कंपाउंड वर्ड्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो हमारे पॉस्चर के लिए सही होता है वो क्या होता है, बैकबोन. बैक प्लस बोन, बैकबोन. वी एंजॉयड द कोल्ड एंड अडोर्ड व्हेन द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन आवर हेड्स एंड फेसेस. अब आपका की वर्ड है कोल्ड. कोल्ड से बनता है स्नो फ्लेक्स, क्योंकि स्नो जो है वो कोल्ड वाले रीजन्स में ही तो वी कैन फाइंड इट. नो, दैट इज व्हाई इट इज स्नो प्लस फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स. डिड यू काउंट हाउ मेनी डैश वी क्रॉस्ड ऑन आवर वे टू मथुरा. अब देखिए काउंट क्या होगा, माइलस्टोन्स ही तो काउंट होंगे. माइलस्टोन्स क्या है, जब आप ऑन द वे टू मथुरा मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे सपोजिंग आप दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं, वहां पर आपको डिस्टेंस बताते हुए साइड में मथुरा दिल्ली टू मथुरा दिस मेनी किलोमीटर्स, फिर मथुरा टू रीच मथुरा अनदर 5 किलोमीटर्स, ये सब हमारे माइलस्टोन्स हैं. सो डिड यू काउंट हाउ मेनी माइलस्टोन्स वी क्रॉस्ड ऑन आवर वे टू मथुरा. इस हिसाब से यू विल डू दिस कंपाउंड वर्ड्स आल्सो. नाउ मटेरियल नाउन्स क्या है, मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स. अब मटेरियल वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि जो नेम ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल है दैट कैन बी सीन और टच्ड. हम उसे देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, या फिर वो इंग्रेडिएंट्स है फॉर मेकिंग सर्टेन थिंग्स. जैसे एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कोल, आयरन, शुगर. अब इन सब चीजों को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मेटीरियल नाउन्स. नाउ लेट अस डू वर्कशीट 7. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द मेटीरियल नाउन्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स. अब देखिए यहाँ नीचे आपको क्लू बॉक्स में पर्ल्स, एयर, वुड, कोल, गोल्ड,
ग्रेफाइट एंड सॉल्ट दिया गया है. दीज आर ऑल योर मेटीरियल्स और सब्सटेंसेस. यूजिंग दीज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. इन लंदन मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर मेड ऑफ डैश. अब देखिए, हाउसेज मतलब विल इट बी मेड ऑफ पर्ल्स? नो. विल इट बी मेड ऑफ एयर? नो. कैन इट बी मेड ऑफ वुड? यस. देयरफॉर वुड इज योर करेक्ट आंसर. अब सेकेंड देखिए, फूड विदाउट डैश इज कंप्लीटली टेस्टलेस. अब आपके क्लू बॉक्स में आप देखिए कौन सा खाने वाला चीज है, क्योंकि फूड रिलेटेड है ना, तो सॉल्ट इज द आंसर. दिस इज हाउ यू विल अप्लाई योर ब्रेन्स. आप थोड़े थोड़े हिंट्स सेंटेंसेस से देख के क्लू बॉक्स के साथ जोड़ के करेंगे. द डैश वी ब्रीथ इज फुल ऑफ पोल्यूटेंट्स. अब देखिए क्लू बॉक्स में क्या हम ब्रीथ कर सकते हैं? पर्ल्स को ब्रीथ कर सकते हैं क्या? नहीं. एयर? यस, द एयर वी ब्रीथ. फोर्थ, डैश आर फाउंड इन साइड अ लिविंग क्रीचर कॉल्ड एन ऑयस्टर. ऑयस्टर के अंदर क्या मिलता है? मोतियां मिलती हैं. मोतियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्ल्स. ओके. फाइव, डैश इज यूज्ड इन पेंसिल्स पेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. एज यू ऑल नो, आपका की वर्ड यहाँ पे पेंसिल्स है. और देखिए पेंसिल बनता है हमारा ग्रेफाइट से, जिसमें कार्बन होता है. ठीक है, दैट इज वाई ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल्स. सिक्स, ही रोस्टेड द कॉर्न कॉब बाई हीट प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग डैश. अब कौन सा मटेरियल यहाँ पर जलाने से हमें हीट प्रोड्यूस होगा, जिसपे हम एक मक्के को रोस्ट कर सकते हैं? कोल. ठीक है. पीपल इन साउथ इंडिया लव वेयरिंग ऑर्नमेंट्स मेड ऑफ डैश. अब ऑर्नमेंट्स, ऑर्नमेंट्स मतलब आपके जेवरात. जेवरात कौन से मटेरियल से बना है इन क्लू बॉक्स में देखिए? गोल्ड. सो दिस इज हाउ यू विल डू योर वर्कशीट 7 ऑल्सो. आपको सेंटेंस में ही थोड़े बहुत कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, जिससे साथ आप अपने ब्रेन्स को अप्लाई करके क्लू बॉक्स से फिलअप करेंगे. ठीक है. कलेक्टिव नाउन्स. अब कलेक्टिव, द वर्ड कलेक्टिव कम्स फ्रॉम द वर्ड कलेक्शन. अ ग्रुप, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. व्हेन कलेक्टिव नाउन्स हाउ आर दे फॉर्म? दे आर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, पीपल और एनिमल्स. आप इस वर्ड पे ध्यान देंगे, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, पीपल और एनिमल्स. एग्जाम्पल्स, अ गैगल ऑफ गीज, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज. ये तीनों को आपको लर्न बाय हार्ट करना है. ठीक है. वर्कशीट 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. अभी देखिए कलेक्टिव नाउन्स में पढ़ाने वाला चीज कुछ है नहीं, आपको कलेक्टिव नाउन्स का एक पूरा जो लिस्ट आता है आपको उसको रट्टा मानना है. यू हैव टू मेमोराइज इट. ठीक है. द नॉटी बॉय पुल्ड अ बंच और टफ्ट ऑफ ग्रास एंड मेड अ मेस ऑफ द लॉन. द डांस ट्रूप परफॉर्म ब्रिलियंटली ऑन द स्टेज. क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज इट. सो आई हैव गिवन यू द आंसर्स, यू प्लीज गो थ्रू इट. ठीक है. वर्कशीट 9 देखेंगे. हेल्प एलेक्स द एलिगेटर टू कलेक्ट द कलेक्टिव नाउन्स इन द ग्रिड बिलो. यू मे गो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. ठीक है. अब देखिए इस पूरा जो ये जो दिया गया है आपको ग्रिड, इसमें कलेक्टिव नाउन्स कुछ दिए गए हैं. ठीक है. एंड लुक आउट फॉर द कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग. ये जो बीज, टाइगर्स, पॉक्यूपाइंस, क्रोज, ये सब दिया गया है, इनके कलेक्टिव नाउन्स आपको ऊपर ढूंढने पड़ेंगे एंड उनको कलर करना पड़ेगा. आई हैव गिवन यू द आंसर्स, आप प्लीज इसको फाइंड इट इन द ग्रिड, कलर इट एंड मेमोराइज इट. प्लीज लर्न ऑल दिस बाय हार्ट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. यू हैव टू मेमोराइज इट. नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब काउंटेबल मतलब वी कैन काउंट इट, अनकाउंटेबल मीन्स वी कैनॉट काउंट. काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव अ सिंगुलर एज वेल एज अ प्लूरल फॉर्म. अब काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, इसीलिए वो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक, एंड प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं. प्लूरल मतलब एक से ज्यादा. अब ध्यान से सुनिए, सिंगुलर फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन्स कैन यूज ए एंड एन. ठीक है. जैसे हैट, वन हैट, दो हैट्स, तीन हैट्स. अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स. अनकाउंटेबल नाउन्स को नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म भी नहीं होते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए,
वन मिल्क, टू मिल्क, थ्री मिल्क, ये गलत है। हम मिल्क इज अ लिक्विड, इट्स अ फ्लोइंग मटेरियल। कैन वी काउंट इट? नो वी कैन नॉट। सो हाउ कैन वी काउंट इट? इफ वी मेजर द क्वांटिटी देन ओनली वी कैन काउंट इट। ठीक है, बट मिल्क जो है आपका, इट इज नॉट अ काउंटेबल नाउन। मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। इट इज अ मेजरेबल नाउन बट नॉट अ काउंटेबल नाउन। सो ये जो वन मिल्क है, ये 1 लीटर ऑफ मिल्क कहला सकता है। टू मिल्क से 2 लीटर्स कहला सकता है। थ्री मिल्क से 3 लीटर्स ऑफ मिल्क कहला सकता है। सो द फर्स्ट रो इज इनकरेक्ट बिकॉज मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अब टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन, अब अनकाउंटेबल नाउन को हम कैसे दिखाएंगे? वी हैव टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। सो हम कुछ वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज करेंगे, जैसे सम, अलॉट ऑफ, मच, अ बाइट ऑफ, और एल्स वी कैन यूज एन एग्जैक्ट मेजरमेंट लाइक अ कप ऑफ, अ बैग ऑफ, 1 किलो ऑफ, 1 लीटर ऑफ, अ हैंडफुल ऑफ, अ पिंच ऑफ, एक्सेट्रा। आप कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहां पर देखिए, अ पीस ऑफ केक, अ किलोग्राम ऑफ राइस, अ पाइंट और अ स्पूनफुल ऑफ बटर, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब क्या हम सॉल्ट के, नमक के हर ग्रेन को मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बटर, बटर को क्या हम पूरा देख सकते हैं कितना बटर है? नहीं, बट हम एक बोल सकते हैं अ स्पून ऑफ बटर और अ बाइट ऑफ बटर। राइस, राइस के क्या सारे दाने को हम काउंट करके बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। सो वी मेजर इट इन किलोग्राम्स, अ किलोग्राम ऑफ राइस, अ पीस ऑफ केक। नाउ वर्कशीट 10, पेयर द अप्रोप्रिएट पार्टनर्स विद ईच अदर। ठीक है, अब देखिए इनको मैच द फॉलोइंग करना है। अ कैन ऑफ जूस, अ बोल ऑफ नूडल्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ ग्रेन ऑफ राइस, अ ड्रॉप ऑफ ऑयल। यू हैव टू मेमोराइज दिस। आपको इसको लर्न बाय हार्ट करना है। ओके, वर्कशीट 11, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सम, एनी, अ लिटिल और मच। इन ब्लैंक्स में आपको सम, एनी, अ लिटिल और मच डाल के फिलअप करना है। इफ वी वॉन्ट टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन, वी आस्क हाउ मेनी। अगर एक काउंटेबल नाउन का क्वांटिटी जानना है तो हमें क्वेश्चन क्या पूछना है बच्चों? हाउ मेनी। अनकाउंटेबल नाउन का पूछना है तो पूछेंगे हाउ मच। ठीक है, सो ए करेंगे, कैन यू गिव मी डैश इंफॉर्मेशन ऑन द लेटेस्ट गैजेट्स इन द मार्केट? कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन? आई वॉन्ट डैश एडवाइस इन चूजिंग सब्जेक्ट्स आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड। आई वॉन्ट सम एडवाइस। देर इजंट मच और एनी वॉटर इन द पॉट, दोनों ही करेक्ट है। आई हैवंट गॉट एनी कैश ऑन मी, प्लीज पुट ऑन सम म्यूजिक, प्लीज पास लिटिल सॉल्ट, द चिल्ड्रन आर शाउटिंग टू मच। आपको ये क्रॉसवर्ड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भरने हैं। ठीक है, यूजिंग द गिवन क्लूज। अब देखिए, पहले आपको ये वाला फिल करना है, अक्रॉस एंड डाउन। अ पॉटर कैरीज इट, लगेज, इट ब्रेक्स द बैरियर्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड बाउंड्रीज, म्यूजिक। अ यूनिट फॉर मेजरिंग वेट, टन। अ टोस्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट इट, बटर। ठीक है, ये बिटर नहीं है, ये बटर है। जस्ट मेक द चेंजेस, BUTTER। इट विल कवर एवरीथिंग इफ इट्स नॉट क्लीन, डस्ट। इन कॉफी और टी, एड इट टू योर टेस्ट, शुगर। ब्राइटन्स अप योर लाइफ, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल अबाउट नंबर्स, मैथमेटिक्स। टेबल्स एंड चेयर्स आर पार्ट ऑफ इट, फर्नीचर। इट इज द बेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, वॉटर। तो ये सब आपका देखिए, यहाँ पे अक्रॉस मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो अक्रॉस आप भरेंगे 2, 3 में। 2 में क्या है? पोर्टर कैरीज इट, लगेज। 2 अक्रॉस देखिए कहाँ पे है आपका, यहाँ पर देखिए 2 अक्रॉस। प्लीज फॉलो द कर्सर, में जैसे पढ़ा रही हूँ, 2 लिखा है यहाँ पे और अक्रॉस बताया है। तो यहाँ पर आप लगेज भर देंगे, वैसे ही आप बाकी का करेंगे। अक्रॉस वाले में
नंबर देख के उसके साइड में आंसर्स है आपके लिए, उनको भरेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल कम ओवर टू सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर मतलब वन, प्लूरल मीन्स मोर देन। जैसे रैट का बन जाता है रैट्स, वाइफ का बन जाता है वाइव्स। अब देखिए एनी वर्ड एंडिंग इन एफ ई उसका प्लूरल बन जाता है वीई एस। एफ और वी हट जाते हैं और वीई एस जुड़ जाता है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल नाइफ, नाइफ का हो जाता है नाइव्स। वैसे रेडियस बन जाता है रेडियाई। मैंने अंडरलाइन जो किया है आप ध्यान दीजिए और इसको याद करेंगे, यू हैव टू मेमोराइज इट। मैंगो जो ओ में एंड होते हैं बिकम्स ओ ई एस, एक्सक्यूज मी। देन बेबी बिकम्स बेबीज। जो वाई में एंड होता है वो प्लूरल में आई ई एस बन जाता है वाई हटा के। फिर बेंच जो सी एच में एंड होते हैं वो हो जाते हैं बेंचेस। बट देखिए चर्च में भी सी एच है, ठीक है, तो चर्च का प्लूरल क्या है? चर्चेस नहीं, ठीक है। मैन का है मेन, बॉक्स बॉक्सेस। अब कुछ प्लूरल फॉर्म्स जो है वो इरेग्युलर तरीके से होते हैं, जैसे फॉर्मूला का फॉर्मूले, करिक्युलम का करिक्युला, डेटम का डेटा, फेनोमिनन का फेनोमिना। यू हैव टू मेमोराइज इसको सब, आपको बाय हार्ट लर्न बाय हार्ट करना है। गूस गीज, वुमन वुमेन, मीडियम मीडिया, फुट फीट, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन। मेमोराइज दिस ऑल्सो। अब देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अब एक स्टेट का मिनिस्टर, एक मिनिस्टर सिंगुलर, उसी स्टेट के एक से ज्यादा मिनिस्टर्स बन जाएंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ब्रदर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ, एक से ज्यादा ब्रदर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। नाउ सम नाउन्स आर सिंगल ऑब्जेक्ट्स बट आर यूज्ड एज प्लूरल। कुछ नाउन्स आपके ऑब्जेक्ट के तौर पे। नाउ एग्जाम्पल्स आर मैथमेटिक्स, ये एस में एंड होता है, लेकिन ये देखिए सम नाउन्स एंड विथ एस बट आर यूजली सिंगुलर, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद देम, ठीक है। सो मैथमेटिक्स, आर्थराइटिस, पॉलिटिक्स, एरोबिक्स, मीजल्स, जिमनास्टिक्स, ये सब एस में जरूर एंड होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ठीक है, ये यूजली सिंगुलर ही रहते हैं। नेक्स्ट वी विल डू वर्कशीट 12, इसका आपको प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं। आई हैव डन इट फॉर यू, प्लीज गो थ्रू इट एंड मेमोराइज इट, आप इसको याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्कशीट 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ ईच वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। द चाइल्ड आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए जहां पर आर आ गया मतलब आपका सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल, सो वॉट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? चिल्ड्रेन। द मैंगो वर ची, वर मतलब एक से ज्यादा, जब प्लूरल के लिए हम वर यूज करते हैं, सो मैंगोज। द बुक आर केप्ट, आर आ गया मतलब बुक का प्लूरल लिखेंगे, बुक्स। ऑन द शेल्फ, द बुक्स आर केप्ट ऑन द शेल्फ्स। वी सॉ फाइव राइनोज इन द जंगल। मदर बॉट टू जर्सीज फॉर अस, एक से ज्यादा टू इज प्लूरल इसलिए जर्सी बन जाता है जर्सीज। ऑक्स आर स्ट्रॉन्ग एनिमल, ऑक्स आर है इसलिए ऑक्सन प्लूरल ऑफ ऑक्स। द बुके ऑफ फ्लावर, बुके ऑफ फ्लावर्स इज वेरी ब्यूटिफुल। ऑल द पेंटिंग्स, एक से ज्यादा पेंटिंग, ऑल द पेंटिंग्स आर देयर इन द रूम, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका वर्कशीट 13 भी हो गया। अब देखेंगे सेकेंड वाला, राइट एस फॉर सिंगुलर नाउन एंड पी फॉर प्लूरल नाउन्स। एक्सक्यूज मी, मस्किटोज एक से ज्यादा प्लूरल, हाफ्स प्लूरल, स्पाई सिंगल, स्पाइज प्लूरल जो है SPIES, ठीक है। उस हिसाब से यू विल डू दिस ऑल्सो, आई हैव डन इट फॉर यू, प्लीज गो थ्रू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एरोबिक्स का सिंगुलर है, ठीक है, वैसे फुट का सिंगुलर है, पियानोस का प्लूरल है, लाइफ सिंगुलर। ये सब थोड़े थोड़े जो चीजें हैं आपको इनको मेमोराइज करना है, ये रेगुलर नाउन्स की तरह नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू
pay more attention to words like aerobics and life. Okay. Next, hots and BBQs. Material nouns are names of substances. Do you want materialistic things to make you happy or you feel happy with small things in life? Why and why not? अब इसका मतलब है कि material nouns जो है ना वो कुछ substances के नाम है, जैसे कि gold, silver, ये सब materialistic things है life में. So question में दिया गया है कि आपको क्या सिर्फ चीजें खुश रख सकती है या आप life में छोटे छोटे चीजों से खुश है, इसके बारे में आप अपने विचार लिखेंगे. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 5 नाउंस. प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू. एंड इस नाउंस वाले चैप्टर में ज्यादातर चीजें ऐसे हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउंस, कलेक्टिव नाउंस, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस, जो यू हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. आपको कुछ चीजें रट्टा माननी है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस का, फिर कलेक्टिव नाउंस का, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस का, एंड रोज उसे पढ़ेंगे. अभी से आप शुरू करेंगे तो एग्जाम टाइम तक आपका बहुत इजी हो जाएगा. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर वीडियो. इफ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू.